मेरी शादी किसी और से हो गई है। और बाद हम लोग मस्त कप्पा सेशन होने वाला है, गॉसिप सेशन। लेकिन मुझे मिल गई मेरी साड़ी। चलो खाना शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो मैं हूँ भाविका और आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। ये मैं आज मॉल में हूँ क्योंकि मैं और दीदी आए हैं आज डिनर के लिए। देखो विक्की हर जगह पर टपकता है, क्या करें। हाँ तो अभी हम लोग आए हैं, बट आई थिंक अभी ना तुझे आदत डालनी पड़ेगी विक्की को विक्की जीजू या विक्की भैया बोलने की, जिससे बड़ा है भैया। नहीं, विक्की को विक्की बोलूँगी मैं, क्योंकि बोलेंगे क्योंकि ये दोनों की हरकत ही तो बच्चों जैसी है, क्या जीजू बीजू बोलने का भी। तो हम लोग आए हैं आज खाना खाने फू में, जो हमें कब से जाना था लेकिन अभी फाइनली खाने में ओपन हो गया है तो हम लोग आ गए। और वो लोग ने उनको करके भगा दिया, बहुत 1.5 आवर का वेटिंग है। तो अभी क्या बोलते हो, जाने दो। चलो आपको अभी अंदर जाके मिलते हैं वहाँ पे, क्या पता कब हमारा नंबर आएगा। और हम दोनों को आज इतनी भूख लगी है ना। चलो बाय। ये है खुशी सीट मिलने की, और कुछ नहीं। डिनर और मज़ा आ गया ना खाना करके, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। मतलब अभी मॉल तो बंद हो गया है और बहुत लेट हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। घर पे जाके मस्त होएंगे हम लोग अभी, इतना पेट तो बहुत ज़्यादा खुश है आज। तेरा फेवरेट क्या था सर, कौन सा? उसमें क्या पर्पल राइस के साथ। हाँ, एंड डिजर्ट। हाँ, डिजर्ट भी। थोड़ी स्केप्टिकल थी कि सस्ते में ये चीज़ के कैसा होगा, बट इट टर्न्ड आउट सो गुड। ये है नेक्स्ट डे और आज मैं अलग, एकदम ही अलग लोकेशन में हूँ क्योंकि मैं आज आई हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे। और ये लोग मेरे हाई स्कूल के फ्रेंड है और इन लोग अभी इतना ऑकवर्ड हो गए हैं कि मुझे मज़ा आ रहा है। तो इनका आज फर्स्ट टाइम डेब्यू है मेरे चैनल पे। ये है आरुषि, ये है आर्या, और इसको हम लोग आज परेशान करेंगे। और जिसके घर पर हम आए हैं वो रही ये प्रचिति। चलो अभी मैं भी थोड़ा ऑकवर्ड हो रही हूँ, तो हम लोग बाद में मिलते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे आज लंच के लिए आए हैं, प्रचिति की मम्मी बहुत अच्छा चिकन बिरयानी बनाती है तो हम लोग भी मस्त खाने वाले हैं। मैं एक्चुअली ये पूरा व्लॉग एक्चुअली फूड व्लॉग है क्योंकि कल भी हम लोग ने खाया और अभी भी मैं आपको खाना दिखाने वाली हूँ। ये बोल रही है ये पूरा खाएगी ये। अच्छा तो दे रही है क्या, ठीक है चलेगा। तो बाकी सब तू खाएगी ना? हाँ वही। देखो देखो, चार तो ले ही लेगी ये। चलो खाना शुरू करते हैं। इतना ऑकवर्ड तो मैंने सब लोग को पहली बार देखा है। खाना नहीं कि इसका दूसरा आइसक्रीम भी शुरू हो गया। अबे है यार। अभी खाना खाने के बाद हम लोग मस्त कप्पा सेशन होने वाला है, गॉसिप सेशन, क्योंकि आरुषि और प्रचिति रहते हैं US में, तो उन लोग अभी आए हैं तो हमारे पास किसी बहुत ज़्यादा टॉपिक से बात करने के लिए। तो हम लोग बात करेंगे। और आंटी को मैंने लिया नहीं व्लॉग में, लेकिन आंटी तो व्लॉग देखती है मेरा, तो बहुत अच्छा खाना था एंड थैंक यू। आप कमेंट्स में आर्या 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 ऐसे कमेंट करो। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे पता नहीं कौन सा, लेकिन कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरा जो हेडेक हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन मुझे कीकी ने मस्त हेड मसाज दिया। हम काम कर रहे थे और इतनी बढ़िया स्मेल। तो अभी मैं ठीक हूँ, मतलब अभी मेरा हेडेक नहीं हो रहा है, लेकिन आज के दिन में हमें बहुत सारा काम करना है। जैसे कि हम जा रहे हैं कीकी की शादी की
नो, ये कितना टंग ट्विस्टर क्यों लग रहा है मुझे, कीकी के शादी की सारी शॉपिंग को हम लोग जाने वाले हैं और मैं भी मेरे लिए साड़ी लेने वाली हूँ। तो चलो अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे और जल्दी से जाने वाले हैं थाने स्टेशन सारी शॉपिंग करने। ब्रेकफास्ट में है इडली सांभर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये लड़की इतना टाइम पास कर रही है कि मैं क्या बताऊँ। जाना हाँ, इसे सपना आया था, मेरी शादी किसी और से हो गई है और ये उस सपना देखने के बाद फुल पागल हो गई है और वो दूसरे लड़के से शादी मेरी माँ ने कराई है। नहीं नहीं, तूने विक्की के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो रो रही थी पूरा टाइम, मम्मी ने मेरी शादी किसी और लड़के से करा दी। फुल पागल है ये, उसके बाद वो सपना देखने के बाद ये सच्ची में पागल हो गई है। लेकिन जाने दो, हम तो इडली सांभर पे फोकस करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टॉप, चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। इसको तो कोई साड़ी मिल नहीं रही है, मतलब एक दो तीन ऑप्शन मिले लेकिन पसंद आया है मुझे, बट आई एम कीपिंग इट एज एन ऑप्शन, लेट्स सी आगे। लेकिन मुझे मिल गई मेरी साड़ी, वो तो अब अभी डायरेक्ट शादी में देखो, है ना। ये मम्मी का तो कभी चॉइस होता ही नहीं है फटाक से, इसको बहुत टाइम लगने वाला है। तो मयूरी से एक शॉपिंग हो गई है, लेकिन ये देखो ये दुल्हन और माँ के भी पड़ा है। मुझे ये मेरा येलो साड़ी लेने जाते उधर। और ये देखो, अरे बाजू में हो तू, इस छोटा बाबू को हर एक वीडियो में रहना रहता है। अरे काम, अरे ये इन लोग के साथ ना क्या ही बोलू अभी। मम्मी बोलती है वो वहाँ पे जो इंसान उतना, मैं बता रही हूँ कि वो जो होती है उसको ऐसा कोंडून लगाए बोलता है मम्मी, ये कोंडून लगाए बोलता है हिंदी में। हमारे घर में किसी को मराठी नहीं आती, सब हिंदी नहीं आती, मुझे आती है हिंदी मध्ये काय बोलतात कोंडूनला। अरे कोंडून मतलब उसको छुपा के रखा है, छुपा के नहीं कैद करके रखा है, मतलब ऐसा नहीं होती उधर कैद करके भी रखा है, मतलब मजाक करी थी। लेकिन उन लोग का वो किचन है, कौन बताएगा मम्मी को। अब मम्मी घर पे जाके जो हम लोग को मारने वाली है। बोलेगी डिलीट। मस्त पेट भर के खा लिया और अभी वापस से शॉपिंग का खोज चालू हो गया है। लेट्स सी अभी हमें मिलता है क्या, ब्राइड की साड़ी मिल जाएगी, मुझे ऐसा बहुत फीलिंग आ रहा है। लेट्स सी अभी, और इतना खा लिया ना अभी ऐसे चला भी नहीं जा रहा, ऐसे लग रहा है सो जाऊँ। हो गए हमारे तीन शॉप्स देख के, लेकिन इन लोग की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती। मुझे देखो एंगेजमेंट के टाइम पर भी मैं एक दुकान में गई और ले ली, और अभी भी मेरा हो गया वो है ना, अभी क्या बताऊँ मैं। फाइनली पहुँच गए घर पे, मेरी तो फुल बैटरी लो हो गई है, लेकिन अभी मुझे फटाक से रेडी होना है क्योंकि थोड़ा वीडियो शूट करना है, लेकिन मेरे पास ताकत ही नहीं है भगवान। लेकिन कोई नहीं, अभी थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ और फिर मैं होने वाली हूँ रेडी, क्योंकि मुझे करना है शूट। ये रहा मेरा सेकेंड लुक, फर्स्ट लुक तो मैंने दिखाया ही नहीं आपको, लेकिन इसके लिए हम लोग ने आज कुछ अलग सेटअप किया है। और ये रहा वो, मेरी मम्मी देख के डर गई, उसको लगा ये सब उसे समेटना है। और ये रहा पवन, हाय बोल। अभी चेंज करके और एक दूसरा लेना है। 12 बज गए और फाइनली द शूट इज डन, एंड अच्छा शूट हुआ आज का। अभी ये थोड़ा सा, ये तो इधर पवन ने और मम्मी पापा ने कर दिया ठीक, लेकिन मेन जो है मैस वो ये बेडरूम में क्रिएट हुआ है, जिसका मुझे पता नहीं, मैं तो थक गई मम्मी, लेकिन कोई नहीं, अभी मैं इसे भी फटाक से क्लीन कर देती हूँ। देखो इधर क्या
इधर क्या हो गया है, इसे अभी मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ और मुझे खाना भी खाना है। तो मतलब हम लोग ने लास्ट जो खाया ना वो पास्ता, उसके बाद कुछ नहीं खाया मैंने, तो अभी ये करके मैं मस्त खाऊंगी और सो जाऊंगी। हाय गाइस, तो कल जैसे आपको पता है कि हमने सारी शॉपिंग की शादी के लिए, तो यू नो कि शादी जल्दी ही आने वाली है और उसी के साथ बहुत सारा काम करना है। सो मैंने आज मेरी ये डायरी प्लानर सब लेके बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट करनी पड़ेंगी। एंड बाय द वे, मैंने कभी विजन बोर्ड बनाया नहीं था लेकिन ये साल मैंने विजन बोर्ड बनाया है। दिस इज़ माई विजन बोर्ड फॉर 2024 एंड लेट्स सी। आज शायद से मैं ज़्यादा ब्लॉग ना करूँ क्योंकि बहुत सारा काम है। सो ओके बाय। ये ब्लॉग शुरू हुआ था खाने से तो मैंने सोचा एंड भी इसको खाने से ही करते हैं। तो हम दोनों ऐसे रैंडम प्लान बना के आ गए। ये लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक जो मुझे बहुत पसंद है यहाँ का, वो खाने को। और अभी हम लोग खड़े रह गए खा रहे इधर। तो चलो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।